में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आकाशीय बिजली गिरने से छप्पर पर गिरा बिजली का पोल, दो महिलाएं हुई घायल। 15 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट, 6 पॉजिटिव मरीजों का चल रहा है इलाज। वन विभाग की छापामार कार्यवाही, जागपुर से जब्त की सागौन की लकड़ी। 12 जून को होगी जिले के सभी 120 शराब दुकान दोबारा खोलने की प्रक्रिया। और ऑनलाइन कपड़े खरीदी के मामले में धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला। और अब खबरें विस्तार से। 11 जून की शाम को अचानक जिला मुख्यालय और उसके आसपास में मौसम में बदलाव हुआ। इस दौरान जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम छोटी कुम्हारी में तेज आंधी तूफान के साथ बिजली के पोल पर आसमानी बिजली गिरने से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल महिला ममता लिल्हारे 30 वर्ष और उसकी सास ढेकल बाई लिल्हारे 65 वर्ष अपने मकान की छत पर नीचे काम कर रही थी, तभी तेज आंधी और तूफान के दौरान घर के पास का सीमेंट का विद्युत पोल छप्पर के ऊपर गिर गया। छप्पर के बांस की बल्ली गिरने से दोनों सास बहू घायल हो गई। अचानक में तूफान और आसमानी बिजली गिरने से वो खंभा टूट गया और खंभे टूटने की वजह से बाजू में पलवा था, अच्छा, तो उसके ऊपर गिर गया। तो महिलाएं घायल हो गई। अच्छा, महिला कहाँ थी उस समय? वो पलवे के नीचे थी, कुछ कार्य कर रही थी। एक बच्चा भी चोट को? हाँ, एक बच्चा भी चोट, मामूली चोट है, वो घर पे है। दो महिला को जिला अस्पताल। दोनों हालत कैसी दोनों महिला की? बेहोश है अभी। तो रिश्ते में तो कोई है क्या कि? हमारे नहीं, जो महिला जो है आपस में कोई रिश्तेदार है क्या? दोनों सास बहू है। जिले के मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में एक पिकअप वाहन का एक्सीडेंट हो जाने से वाहन चालक अविनाश गिरी उम्र 21 वर्ष निवासी चौरसिया कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक रायपुर से टाइल्स लेकर बालाघाट आ रहा था। 11 जून की सुबह सुबह यह एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मृतक का शव गाड़ी में फंस गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद कटर से काट कर बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्टया घटना के विषय में यही जानकारी दी जा रही है कि शायद सुबह सुबह के समय पिकअप चालक को नींद लग गई होगी, इस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और घटना घटित हो गई। बालाघाट जिले में मई माह के तीसरे सप्ताह में कोरोना वायरस की दस्तक हुई, तब से लेकर आज तक कुल 12 मरीज सामने आए, जिसमें 6 मरीज डिस्चार्ज कर अपने घर जा चुके हैं तो 6 का इलाज चल रहा है। इन सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक बात कॉमन है, वह यह कि सभी महाराष्ट्र से लौटे हैं। जिले के भीतर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,11,000 लोग देश के अलग अलग राज्यों से वापस आए, लेकिन बालाघाट के लिए यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि इनमें केवल महाराष्ट्र से आने वाले मजदूर ही शामिल है। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो महाराष्ट्र से लौटकर होम क्वारंटाइन हुए लोगों में बड़ी संख्या में नौकरी पेशा और छात्र भी शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र बताते हैं कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन महाराष्ट्र से लौटकर जिले में आने वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस दौरान अच्छी बात यह है कि सभी पॉजिटिव मरीज स्वस्थ है, परिणाम स्वरूप 6 लोग डिस्चार्ज होकर घर चले गए, लेकिन आगामी दिनों में सतर्क रहने की बहुत अधिक जरूरत है, इससे जिले के भीतर वायरस का फैलने से रोका जा सकेगा। जिले में कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है, साथ ही समस्त विभागीय कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन की गाइडलाइन का बखूबी से पालन करें, लेकिन नगर के अधिकांश एटीएम शाखाओं में सैनिटाइजर की व्यवस्था न किए जाने से खाताधारकों के द्वारा नाराजगी भी जताई जा रही। खाताधारकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर उनके द्वारा पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है, लेकिन एटीएम की शाखाओं में सैनिटाइजर की व्यवस्था बैंक प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई। सैनिटाइजर की व्यवस्था होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं नज़र आ रही है आपको? नहीं नहीं है। और जैसे कि जो एक गाइडलाइन के तहत एटीएम में एक व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता होती है, जो जानकारी देता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था आपको लगता नहीं आपने किस बटन में दबाया है? उसमें काफ़ी लोगों ने उस बटन में दबाया है जी। बात सही है, मेरे पास सैनिटाइजर, मेरे पास सैनिटाइजर रखा है। अच्छा, जो बाकी लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है?
सर मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, बाकी यहाँ पर कंपनी नहीं है। भारत सरकार के जो SOP है, रजिस्टर्डिंग ऑपरेटिंग वाला जो सिस्टम दिया गया, उसके अंतर्गत उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि आप वहाँ पर सैनिटाइजर रखें और जो है उसके विशेष सुरक्षा का ध्यान रखें। आपने जैसे जानकारी दी है तो मैं भी समस्त जो है बैंकों को पुनः निर्देशित करता हूँ कि आप प्रत्यक्ष शाखा प्रबंधक जाएँ, निरीक्षण करें और इस महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए मतलब जरूरी और तात्कालिक उपाय अवश्य उठाएँ। जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम सिरपुर में बकरी चराने गए एक व्यक्ति की लाश कुएं से बरामद की गई। मृतक टोरमल राउत 56 वर्ष सिरपुर निवासी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की या फिर कुएं में फिसलने से उसकी मौत हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को सुबह 6 बजे टोरमल राउत रोजाना की तरह गाँव मोहल्ले की बकरी चराने के लिए लेकर गया था। शाम को बकरी आ गई किंतु टोरमल वापस नहीं आया। 9 जून की देर शाम तलाश करने पर गांव के हेमंतदास डोंगरे के खेत में कुएं में उसकी लाश देखी गई। शहर के वार्ड नंबर 6 निवासी लक्ष्मी मानेश्वर के साथ ऑनलाइन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी हो गई। दरअसल लॉकडाउन के पहले लक्ष्मी मानेश्वर ने ऑनलाइन कपड़े खरीदी की थी, लेकिन वे कपड़े लॉकडाउन की वजह से घर तक नहीं पहुंच पाए। अनलॉक 1 होने पर उन्होंने कंपनी के नंबर पर फोन लगाया तो कंपनी वाले ने OTP बताने को कहा और उनके खाते से पैसे काट दिए। मामला ये था कि मतलब जैसे क्लब फैक्ट्री से मैंने पहले ऑर्डर करवाया था 3-4 महीने पहले। किस चीज़ का ऑर्डर करवाया था? कपड़े। वो कपड़ा आया नहीं लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आया नहीं। तो फिर कल मैंने जाके उनको कॉल किया तो उनने बोले कि ये नंबर पे बात करो, मतलब अपने बड़े साहब से बोले कि ये नंबर पे बात करो, गया था करके। फिर मैंने बात किया उनसे तो उनने बोले कि तुम्हारा पैसे वापस आ जाएगा, तुमको कपड़े वापस नहीं होगा। तो उनने बोले कि मेरे बड़े साहब जी कॉल करेंगे तो आप उसका कॉल को रिसीव करना है आपको और वो जो भी पूछेंगे आपको बताना है। तो उनने जैसे जैसे पूछे वैसे वैसे मैंने बताया उनको। उनने मुझसे एक ऐप से भी डाउनलोड करवाया, वो डाउनलोड बनी थी एनी बैग सब कुछ था वो ऐप्स। तो वो ऐप से डाउनलोड करवाया उनने। उसके बाद में उनने पूछा कि आपको फ़ोनपे चलाते हो या गूगल पे, तो मैंने कहा फ़ोनपे। फ़ोनपे पे आपका बैलेंस आ गया है बोले, आप चेक करो बोले। मैंने चेक किया तो उसको उनने ट्रैक किया, ये नहीं पता मुझे। तो उसमें उनने पिन नंबर डालने के लिए बोले तो मैंने जो मेरा मेन नंबर है वो नहीं डालते हुए मैंने तो फ़ोनपे का है वो नंबर डाली मैंने। वो नंबर डालने के बाद में उनने बोले कि रहने तो इससे नहीं हो रहा है बोले, आप एक काम कीजिए अकाउंट नंबर दीजिए अपना बोले। मैंने अकाउंट नंबर दिया और वो जो पीछे का नंबर रहता है 4 डिजिट वाला, मैंने वो वाला नंबर दे दी। उसके बाद फिर बैलेंस कटना चालू हो गया। जिले के बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम अलीन टोला में इसी ग्राम के युवक जगदीश पिता कुंवर सिंह मरावी 24 वर्ष की लाश उसके घर के कुएं से बरामद की गई। इस युवक द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की गई। जानकारी के अनुसार 2 वर्ष पहले जगदीश मलाजखंड में प्राइवेट में मजदूरी करता था, लेकिन पिछले 2 साल से वह बीमार रहने लगा था जिसके कारण उसने काम पर जाना बंद कर दिया। 9 जून की रात जगदीश अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया। 10 जून की सुबह 3 बजे जगदीश अपने बिस्तर पर नहीं था। परिवार वालों ने मोहल्ले में तलाश किया लेकिन जगदीश दिखाई नहीं दिया। तब घर के पीछे की बाड़ी के कुएं में गल डालकर देखा तो गल में जगदीश की लाश बाहर आई। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत जगपुर निवासी टेकचंद बिसेन के निवास पर वन अमले ने 11 जून को सुबह 11 बजे छापामार कार्रवाई कर सागौन की लकड़ी जब्त की है। जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर सागौन की तस्करी की जा रही है। इसी के तहत वारासिवनी वन परिक्षेत्र के पिपरिया बीच के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगपुर में एक व्यक्ति के द्वारा बड़े स्तर पर अवैध रूप से सागौन काटकर उसकी इमारती लकड़ी बनाकर फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस पर वारासिवनी वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के द्वारा सर्च वारंट के तहत उस स्थान पर वन विभाग के अमले के साथ पहुंचकर जांच की गई। देखिए क्या है, मुखबिर से मेरे को आज से 2 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जागपुर जो कि वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ पर कोई टेकचंद बल शिवराम सेन जी जो हैं उनके द्वारा अवैध रूप से लकड़ियों की चिरान की जा रही है और कुछ सामान बनाया जा रहा है। इस संबंध में मैंने अपने स्टाफ को इस बारे में सूचना दी और आज दिनांक को हम लोगों ने उनके घर पर दबिश देकर कार्रवाई की है और जिसका कुल 0.206 घन मीटर
लकड़ी जो है उनके घर से अवैध रूप से हमने जब्त की। सर कितनी कीमत होगी बाजार में जब्त की गई लकड़ियों की? जब्त की गई लकड़ियों की अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की कीमत होना चाहिए। चूँकि अभी वो रॉ मटेरियल है तो मैं ये मानता हूँ फिर भी 10 से 25 हज़ार के बीच में होना चाहिए। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में रेत का अवैध खनन और परिवहन के चलते बीती रात यहां की पुलिस ने सेलवा बड़गांव नाले के पास चोरी के रेत से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ट्रैक्टर चालक अजय खंडाते 24 वर्ष ग्राम कामठी थाना कटंगी और संपत पिता टीकमलाल सोनवाने 20 वर्ष ग्राम कतरकना थाना कटंगी निवासी है। दोनों को कटंगी की अदालत में पेश कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कटंगी थाना क्षेत्र में आने वाले नदी नालों से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन लगातार किया जा रहा है। 10 और 11 जून की रात में सेलवा बड़गांव नाला से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर दो ट्रैक्टरों में चोरी की इस रेत का परिवहन किए जाने की सूचना कटंगी पुलिस को मिली थी। 10 जून को रात्रि में SDM के द्वारा वारा सिवनी अनुविभाग अंतर्गत जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम कोपे और बरबसपुर से 2 JCB और 1 डंपर पर जब्ती की कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र से लगातार अनुविभाग कार्यालय को मनरेगा में मजदूरी की जगह मशीनों का प्रयोग करने की सूचना मिल रही थी। इसी के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह के द्वारा रात्रि में क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि ग्राम पंचायत बरबसपुर में मीनाक्षी तालाब का गहरीकरण JCB और डंपर से किया जा रहा है। ये कल रास्ते में मुझे मिले थे JCB डंपर, ये भी मिट्टी खोद रहे थे और मीनाक्षी तालाब में, और इसके आगे भी मैं गया था तो वहाँ भी 4 ट्रैक्टर और 1 JCB खेत निर्माण में खेत की मिट्टी खोद रहे थे। तो प्रथम दृष्टिया मुझे संदिग्ध लगे तो मैंने उनको अभी लाके तहसील में खड़ा किया है, उनसे भी जवाब और कागजात मंगाए गए हैं। जवाब और कागज आने के बाद संतुष्टिपूर्ण अगर लगेगा तो फिर हम उनको आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। कोरोना महामारी संकट के इस दौर में लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं, और जिन लोगों के पास खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था नहीं है उन लोगों तक खाद्यान्न सामग्री और जरूरतों का सामान पहुँचाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो संकट की इस घड़ी में भी भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं बरत रहे हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला 1 महीने पहले कटंगी और तिरोड़ी विकास खंड के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटा गया सत्तू वितरण में सामने आया था, जहां हितग्राहियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सत्तू की जगह आटा दिए जाने का आरोप लगाया था। तो वहीं कई हितग्राही महिलाओं का आरोप था कि उन्हें सत्तू ही नहीं दिया गया। मामला तूल पकड़ता देख जिला स्तर से अधिकारियों की टीम रवाना हुई थी, जिन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया, साथ ही दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की बात की थी। मुझे सर शिकायत वहाँ जनपद उपाध्यक्ष पुष्प तुमरे जो है उनके द्वारा आई थी, और एक शिकायत खरलानी से आई मनुटी जी जनपद अध्यक्ष। ये शिकायत जो हमारे प्रवासियों के संयुक्त संचालक महोदय तभी उनको दी गई थी, और संयुक्त संचालक महोदय द्वारा स्वयं इसमें जाँच की गई और जाँच करके ले गए हैं। जिला सामान्य वन मंडल खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले गर्रा बोडी जरनेहा तालाब में 5 चीतलों की मौत वाले मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें ग्राम गर्रा बोडी के कुछ ग्रामीणों ने चिखला बांध के डिप्टी रेंजर सहित वन विभाग के 7 अन्य कर्मचारियों पर आए दिन परेशान करने, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने सहित आधी रात को घर से ले जाकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वो पहले दो महीना हो गया, वो चीतल मारी थी, उसके कारण पूछताछ करने के लिए फरार थे वो, डर के मारे। अच्छा, अभी आपके पापा कहाँ है ऐसा कुछ? कुछ पता नहीं है सर, हमने रिपोर्ट दे दिए है पिताजी के नाम से। गुमशुदा है? हाँ। आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हमको अभी तक लेके तो मारे नहीं, अभी चिकला फॉरेस्ट वाले ने लेके हमको बहुत मार मारे। आपके पिताजी कहाँ होगा, क्या अंदेशा लगता है आपको? पता ही नहीं लगा सर, पता लगते तो बता भी देते हैं। लालबर्रा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू अनलॉक 1 में जारी निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर दी गई छूट के बाद मार्केट की दुकानें खुलने से नगर मुख्यालय में क्षेत्रीय जनों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानों में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, जो अपनी जरूरत की सामग्री खरीदते नजर आए। लेकिन इक्का दुक्का लोग ही अपने मुंह पर मास्क और गमछा लगाए हुए थे। वहीं अधिकतर लोगों ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। नगर के मुख्य मार्ग, हाई स्कूल मार्ग, गुजरी बाजार व मार्केट की गलियों में लोग पैदल और मोटरसाइकिलों से भारी संख्या में अपने गंतव्य से आते जाते रहे। इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का किसी भी प्रकार से पालन होता हुआ नजर नहीं आया। बता दें कि लालबर्रा से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम डोकरबंदी में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। ऐसी स्थिति में यदि शासन प्रशासन के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो आगामी समय में परिस्थितियां गंभीर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वाराणसी नगर के मुख्य जय स्तंभ चौक पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने अपनी जेसीबी चलाकर पक्के बने अतिक्रमण को तोड़ दिया है। राजस्व विभाग और नगर पालिका अमले की संयुक्त एंटी एंक्रोचमेंट टीम का नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र में लगातार अतिक्रमणकारी अपनी मंशा में सफल हो रहे हैं और राजस्व भूमियों का दोहन लगातार अतिक्रमण करके कर रहे हैं। उनकी जमीन थी जिसमें अतिक्रमण बना और इसमें जब हमने नोटिस दिया तो कोई भी सामने आके ये नहीं बता पाया, जवाब नहीं दे पाया कि किसी ने निर्माण किया है। तो फिर अवैध निर्माण का हमने प्रकरण बनाया, तहसीलदार साहब के माध्यम से उसको तोड़ दिया। सर, उसी लाइन में लगभग 16 दुकानें हैं जिसको स्वीकृत नहीं किया गया है, यानी रिन्यूअल नहीं किया गया है, उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी? उनमें भी हम जांच कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो आवेदन लगवा के फिर उसको रिन्यू करने की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर, और भी जो दुर्गा मंदिर मेन रोड में अतिक्रमण द्वारा अवैध रूप से जो डबल स्टोरी मंजिल बनाई गई है और कुछ गली को भी दबा दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें जाँच चल रही है, सीएमओ साहब के माध्यम से उसमें नोटिस दिया गया है, जवाब तलब किया जा रहा है, जाँच चालू है। 11 जून को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर से बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट मिली है। ये सभी 15 रिपोर्ट कोरोना निगेटिव हैं। इस तरह से जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव कुल 6 मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती है। इनमें ग्राम बेनी का 1, बिसौनी के 2, भुरसा टोंगरी के 2 और ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज शामिल है। बता दें कि इसके पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया भजिया दंड के 3, बैनी के 2, ग्राम मोझरी के 1 मरीज को उपचार के बाद जांच में कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 11 जून को नगर पालिका बालाघाट के स्वच्छता कर्मचारियों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में स्वच्छता कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे वार्डों में नालियों की सफाई और स्वच्छता का कार्य नियमित रूप से जिम्मेदारी के साथ करें। नालियों में और वार्डों में सड़क किनारे गंदगी, कचरा और पॉलिथीन नहीं मिलना चाहिए। वार्डों के भ्रमण के दौरान नालियों की सफाई नहीं होना और सड़कों के किनारे गंदगी पाई जाएगी तो वार्ड प्रभारी और उस क्षेत्र के उपयंत्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र में जिन खाली प्लॉट्स पर गंदगी और कचरा डाला जा रहा है उसके मालिक पर प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।